मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को प्रदेश में रीलॉन्च किया। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 100 मिलीलीटर प्रतिदिन की दर पर सप्ताह में 4 दिन विटामिन ए एवं डी फोर्टिफाइड फ्लेवर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की शुरुआत के मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट पुष्ट बनेंगे, उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। आपको बता दें कि 7 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना को शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल में मार्च 2020 के पश्चात आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो जाने के कारण योजना को बंद कर दिया गया था। इस योजना के द्वारा दिया जाने वाला दूध दुग्ध चूर्ण के रूप में उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन द्वारा तैयार किया जाता है और 3.70 प्रति ग्राम की दर से आंगनवाड़ी केंद्रों तक उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराए गए दुग्ध चूर्ण के साथ प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर और 10 ग्राम माप वाली चम्मच भी प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार प्रति बच्चा 10 ग्राम चूर्ण को 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी में घोलकर दुग्ध तैयार कर बच्चों को देंगे। योजना के अंतर्गत लगभग 1.70 लाख लाभार्थी बच्चों को प्रतिमाह दूध उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।